हेलो फ्रेंड्स, जे जी डी न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे कोई एक दिन में फेमस हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ये बात सही है, सफलता जब मिलने वाली होती है फ्रेंड्स, तो वो एक ही दिन में मिल जाती है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत लोग एक ही दिन में प्रसिद्ध हो जाते हैं, केवल एक दिन में वह सभी लोगों की नज़र में सफल इंसान के रूप में अपनी इमेज बना लेता है। तब शायद आपको लगता होगा फ्रेंड्स कि यह इंसान जिसे कल तक कोई जानता भी नहीं था, वह एक ही दिन में इतना सफल कैसे हो गया। कुछ लोग तो ऐसे सफल लोगों के बारे में कहते हैं कि उनका भाग्य बहुत अच्छा है, तभी तो फ्रेंड्स एक ही दिन में फेमस हो गया। ऐसे लोगों के बारे में सोचकर आज का युवा और विद्यार्थी भी अचानक मिलने वाली सफलता में विश्वास करने लगे हैं और अपने भाग्य पर निर्भर रहने लगे हैं, जबकि यह बहुत गलत है, क्योंकि यहाँ लोग सच्चाई का केवल हिस्सा देख रहे हैं और दूसरे हिस्से को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो लोग यह तो देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति एक ही दिन में सफल हो गया और सभी लोगों के बीच फेमस हो गया, लेकिन यह नहीं देख रहे हैं कि उस व्यक्ति को एक दिन में सफल होने के पीछे क्या कारण है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। दो लोग आपस में बात कर रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति वह था जिसने एक दिन पहले ही ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता और अचानक ही पूरी दुनिया में एक सफल व्यक्ति के रूप में आ गया, तथा दूसरा वह व्यक्ति जो उसका इंटरव्यू लेने आया था। इंटरव्यू लेते समय उसने उससे प्रश्न पूछा, गोल्ड मेडल मिलते ही आपको तो रातों रात सफलता मिल गई, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तब उस सफल व्यक्ति ने कहा, बस यही कहना चाहूँगा कि यह रात बहुत लंबी थी। इंटरव्यू लेने वाला बोला, ऐसा क्या था इस रात में? हमेशा की तरह केवल कुछ ही घंटों की थी? तब उस सफल व्यक्ति ने कहा, नहीं, पूरे 10 साल की थी ये रात। आपको तो केवल कुछ घंटे पहले पता चला कि मैं गोल्ड मेडल जीत गया हूँ, लेकिन इस जीत की शुरुआत 10 साल पहले हुई थी। इस जीत के लिए अपना खून पसीना बहाना मैंने 10 साल पहले शुरू कर दिया था। इस जीत को पाने का सपना मैंने 10 साल पहले देखा था। इस जीत के लिए मेरे संघर्ष की शुरुआत 10 साल पहले हुई थी। 10 साल के कठिन परिश्रम के बाद मुझे यह जीत मिली है। यह 10 साल का संघर्ष मेरे लिए किसी काली रात से कम नहीं था, इसलिए मैं कह रहा हूँ यह रात बहुत लंबी थी, पूरे 10 साल लंबी। फ्रेंड्स, एक गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति और इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति के बीच हुई यह बात हमें बहुत कुछ सिखाती है। लोगों की नज़रों में उन व्यक्ति ने रातों रात सक्सेस हासिल की थी, अर्थात उसे अचानक एक दिन में सफलता मिली थी, लेकिन हकीकत यह है कि इस बेहतरीन सफलता के पीछे 10 साल का संघर्ष छिपा हुआ था, जिस पर किसी का ध्यान तक नहीं गया। आज के युवा लोगों को यह बात समझनी होगी कि सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि मिलने वाली सफलता के पीछे न जाने कितना संघर्ष छिपा होता है। फ्रेंड्स, जितनी बड़ी सफलता कोई व्यक्ति प्राप्त करता है और जो अचानक पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है, उतना ही बड़ा आत्मविश्वास, उतनी ज़्यादा मेहनत और उतनी ही बड़ी सुनियोजित रणनीति उस सफलता के पीछे छुपी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आप लगातार मेहनत करते रहिए, अपने आत्मविश्वास को जगाए रखिए और ख़ुद पर पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि कामयाबी एक न एक दिन तो आपको ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।